हेलो इंजीनियर जी सौर शांति। तो आज आपके लिए है एक बढ़िया एक गैजेट जो कि अपने घर पे ये बना सकते हैं। अपने उंगली का जो रिंग होते हैं उसी रिंग को हम लोग पासवर्ड के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक गैजेट है। अपने रिंग पे छोटा सा एक कंपोनेंट हम लोग डालेंगे जो कि अपने घर पे बनाएंगे, बना के इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद आसानी से हम लोग कोई भी दरवाजा ओपन कर सकते हैं अपने उंगली के रिंग के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं ये डिवाइस। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय quartzcomponent.com। इस वेबसाइट पे आप लोगों को आसानी से कम रेट पे बहुत सारी क्वालिटी के पार्ट्स अवेलेबल मिल जाएगा। परचेस करने के लिए प्रोडक्ट को सर्च कीजिए, कूपन कोड डालिए और आपको मिल जाएगा 5% ऑफ कोई भी प्रोडक्ट पर। साथ में आप लोगों को एंड्रॉयड ऐप भी मिल जाएगा जिसके मदद से अपने खुद के मोबाइल से परचेस कर सकते हैं डायरेक्ट। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो सबसे पहले हम लोग NFC RFID को ले लेंगे। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका जो कि माइक्रो कंट्रोलर है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ कॉयल घिरा हुआ है। तो उसी कॉयल पे अगर कोई दूसरा जो कि कॉयल लाएंगे तो ये डिटेक्ट करेगा। करने के बाद इस माइक्रोकंट्रोलर के माध्यम से कितना फ्रीक्वेंसी ये डिटेक्ट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी जो कि माइक्रोकंट्रोलर पे भेजेगा, जो माइक्रोकंट्रोलर जो हमारा जो आर्डिनो है आर्डिनो पे भेजेगा और वही आर्डिनो सेंस करके हम लोगों को ये काम करेगा। ठीक है, तो इस डिवाइस से हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले इस डिवाइस को हम लोग आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसका जो सिस्टम है वो एक एक करके समझते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। पहले हम लोग RFID को लगा के आर्डिनो पे कनेक्शन करके इसके बाद आर्डिनो पे हम लोग प्रोग्रामिंग को अपलोड करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में देखिए स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी पहले जाना होगा, मैनेज लाइब्रेरी। तो इस पर क्लिक करने के बाद इसमें आ जाएगा, आप इस पर लिखना होगा PN532। लिखने के बाद ये जो आप आ रहे हैं इसको आप इंस्टॉल कर देंगे। तो इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। करने के बाद जब भी फाइल पे जाएंगे, एग्जांपल पे जाएंगे, जाने के बाद नीचे आएंगे, आने के बाद जो इंस्टॉल किया है इस पे हम लोग जाएंगे PN532 पे। जाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ऊपर के दो नंबर पे इस पे हम लोग जाएंगे। क्लिक करने के बाद एक प्रोग्राम आएगा, इस पर देखिए किस प्रकार से हम लोग आर्डिनो से जो RFID पे लगाना है इसका पिन का डायग्राम, उसके बाद अपलोड कर देना है। करने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। होने के बाद इसका जो सीरियल मॉनिटर है वो ओपन करना है। करने के बाद इस पे हेलो आके इस पे सिग्नल आ जाएगा। आने के बाद जब भी ये जो कार्ड देख रहे हैं ये कार्ड इस पे लाएंगे तो एक कोड जनरेट होगा। UID वैल्यू का जो कोड है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे पहले, इसके बाद सर्किट की तरह कनेक्शन करके इस कोड को अपलोड करेंगे। तो ये दो नंबर कोड है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल पिन पे ये जो पिन कार्ड दिखा रहा है इस पर जो कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। करने के बाद सिर्फ अपलोड कर देना है। तो होने के बाद ये जो कार्ड आप देख रहे हैं इस कार्ड को हमने जनरेट किया है, तो इसके अंदर एक चिप रहता है। तो वो चिप किस तरह रहता है आप लोगों को दिखाएंगे अभी। तो देखिए लाइट के सामने अगर लाएंगे आप लोगों को ये चिप दिखाई देगा। तो चिप के चारों तरफ एक कॉयल रहता है, देखिए चारों तरफ एक कॉयल घुमा हुआ रहता है। तो ये जो चिप आप देख रहे हैं इस चिप को हम लोग खोलेंगे इस कार्ड के अंदर से। तो इसको खोलने के लिए बहुत ही जो सेफ्टी में खोलना होगा, तो इसको अच्छी तरह खोल के हम लोग इस पर जो चिप है उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इसको आप ध्यान से खोलिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ही छोटा एक चिप रहता है। तो इसको इस तरह हम लोग खोलेंगे। खोलने के बाद ये जो चिप है वो अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद आप इससे काम कर सकते हैं। तो ये चिप जब भी ये अलग हो जाएगा, होने के बाद आप इस पर कनेक्शन करेंगे। किस प्रकार से कनेक्शन करना होगा, आपको एक कॉयल लेना होगा। तो कॉयल इस पर राउंड राउंड करके घुमाना होगा। तो इसका देखिए मॉडल नंबर भी इसमें है RJ M1, तो इसका मॉडल नंबर है। तो ये जो कॉयल आप देख रहे हैं कॉयल का थिकनेस है 32 गेज का होगा। तो इसको हम लोग राउंड राउंड करके इस तरह घुमा देंगे। ठीक है, तो इसको राउंड राउंड करके करीबन 30 राउंड करना होगा, उसके बाद इस पर हम लोग कट कर देंगे। तो कट करने के बाद इसको अच्छी तरह फेविक्विक से चिपका लेंगे। तो देखिए इसके साइज का हो गया है। तो अभी इसका कनेक्शन दो तरफ हम लोग कर देंगे, दोनों कनेक्शन को अच्छी तरह जो सोल्डरिंग कर देंगे। तो सोल्डरिंग जब भी हो जाएगा
तो ये आप लोगों का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी ये सोल्डरिंग हो जाएगा तो देखिए, देखने में एक एलियन के स्पेस की तरह लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। आप इसको खोल के आपके अंगूठी में फिट कर देंगे। तो इसको फिट कैसे करते हैं देखिए, तो आप एक अंगूठी लेंगे, थोड़ा साइज का होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ये फिट होना चाहिए। तो इसको हम लोग अंगूठी को खोलेंगे, खोलने के बाद इसके अंदर का जो खाली जगह है इस पर हम लोग ये सर्किट फिट कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह फिट करना होगा ताकि शॉर्ट ना हो। तो इसको यहाँ पे आप लोग फिट करेंगे, फिट करने से पहले इसके अंदर एक पेपर रखना होगा क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो मोमबत्ती देख रहे हैं इसके लेयर से हम लोग इसको ढक देंगे ताकि ये ना गिरे। तो ये अच्छी तरह फिक्स हो जाएगा। होने के बाद ये अंगूठी से आप आसानी से दरवाज़ा डोर लॉक बना सकते हैं। देखा आपने किस प्रकार से एक आसानी से एक बढ़िया गैजेट हम लोग बना सकते हैं अपने घर पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।